सो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली जीपैट एग्ज़ाम कब होगा ये किसी को क्लियर नहीं है, ना मुझे क्लियर है। मैं भी इस वीडियो को बना रहा हूँ जस्ट यही बताऊँगा कि हाँ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि हाँ इस डेट तक तुम्हारा एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ कुछ चीज़ें आपको पता है कि जीपैट एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम फॉर्म आता है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आता है, फिर आप लोग भरते हो, फिर उसके बाद करेक्शन करते हो, फिर उसके बाद रीचेक करवाते हो, इसके बाद फीस सबमिट हो जाती है। ठीक है, फीस की डेट कुछ अलग होती है, कुछ ज़्यादा बढ़ा के देते हैं। ठीक है, ये सारी प्रोसेस आपको पता है। फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट हो जाता है, फिर उसके बाद आपकी एग्ज़ाम डेट आती है, फिर एग्ज़ाम डेट के बाद एप्लीकेशन एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड के बाद एग्ज़ाम देने जाते हो, ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि आपका जब भी एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, ठीक है, तो मिनिमम दो महीने, मिनिमम अगर कहें तो दो महीने, और मैक्सिमम आपका देखा जाए तो ढाई महीने। ठीक है, खींच के अगर देखा जाए तो इतना समय लगेगा। ठीक है, अब मान लो आपका आप 30 तारीख हो ही गई है, ठीक है, कल से 1 तारीख मतलब नया महीना शुरू हुआ अप्रैल, तो ये सोच लो अगर PCI को देना होगा तो वो तो फर्स्ट ऑफ वीक में एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल ओपन करेगी, वो भी PCI के अपने PCI पोर्टल पर। ठीक है, और अगर नहीं देना होगा तो वो भैया सेकेंड या थर्ड वीक कभी भी दे सकती है। ठीक है, तो जब भी एग्ज़ाम फॉर्म आएगा उसके मैक्सिमम देख लो तो आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा आपकी प्रिपरेशन को। ठीक है, तो 1 महीने टाइम आपको प्रिपरेशन के मिलेगा, तब तक आपके पास सफिशेंट टाइम रहेगा कि आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म कवर कर लें। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए, आपका एग्ज़ाम फॉर्म जब आएगा तो आप सबको पता चल जाएगा, बस ये कि आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेकर के सबमिट होने तक, एडमिट कार्ड आने तक, रिजल्ट डेट डिक्लेयर होने तक, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने तक आपको 1.5 महीने का टाइम मिलता है बड़े आराम से, मतलब 45-45-45 दिन का आपको टाइम मिलता है। तो उसमें जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं और 1.5 महीने में तैयारी करना चाहते हैं तो उनका भी निकल सकता है, लेकिन आपको मेजर माइनर का ख्याल रखकर करना होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो कि हाँ आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म आएगा वो विद इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, तो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब बहुत लेट हो रहा है। ठीक, तो चलो आप लोग स्टे कनेक्टेड विद मी और पढ़ते रहिए, और बस पढ़ते रहिए और कुछ ज़्यादा खास नहीं। ठीक है, थैंक यू।